अब से कुछ ही देर बाद राजतिलक भगवंत मान का पंजाब में होने वाला है एक बड़ी चुनौती, लेकिन इसी के साथ एक प्रचंड जनादेश जिसके साथ पंजाब की जनता ने खुले दिल से समर्थन किया है। जो एक वक्त पर पंजाब में कॉमेडी किंग थे वो आज पंजाब की राजनीति के किंग हैं, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये जोड़ी पंजाब में बड़ा कमाल कर पाई है। एक क्षेत्रीय दल जो दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार 117 में से 92 सीटों के साथ बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में बसंती रंग का बोलबाला है। खट्टड़ कलां जो कि शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का गांव है, वहां पर यह आयोजन किया गया है और जन समूह वहां पर बसंती पगड़ी के साथ आज मौजूद है शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे धमक के साथ अपने पंजाब की पारी की शुरुआत इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही है। धुरी सीट से संगरूर के ही हैं भगवंत मान, और संगरूर में उन्होंने धुरी सीट पर कांग्रेस पार्टी के गोल्डी को 58,000 वोटों से हराया था, शिकस्त दी थी। एक जुगनू उनका फेमस कैरेक्टर जिसके जरिए उन्हें जुगनू के तौर पर भी पंजाब में जाना जाता है, एक कॉमिक कैरेक्टर था जिसको वो प्ले करते थे, झंडा सिंह वो किरदार भी वो निभाते थे। लेकिन यहां से उन्होंने जो बोलबाला और धमक आम आदमी पार्टी का पंजाब में कायम किया है, क्योंकि ये तय है कि उनके चेहरे पर ये मुहर है, क्योंकि बहुत पहले ही भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था आम आदमी पार्टी ने, और सीएम घोषित करने के पीछे वजह बताई गई थी कि फोन कॉल से पोलिंग कराई गई थी, और पोलिंग में भगवंत मान के चेहरे पर जनता ने मुहर लगाई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का ऐलान किया था। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और फिर वो सीधे निकलेंगे खट्टड़ कलां के लिए, जहां पर यह आयोजन मंच पर होने वाला है। देशभक्ति गाने हैं, बसंती रंग का की पगड़ी है सबके सिर पर, और तैयारी है भगवंत मान की शपथ। चलिए जल्दी से तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे एक एक कमेंट ले लेते हैं। अनिल सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सरीन साहब, ये बड़ा दिन है, भगवंत मान के दम पर ये जीत हासिल हुई आम आदमी पार्टी। केजरीवाल का चेहरा तो है ही, उनका दिल्ली वाला मॉडल तो है ही, लेकिन भगवंत मान जिस पर आप लोग सवाल खड़े करते रहे, उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया और फिर जनता ने मुहर लगाई है। सरीन साहब, अंजना जी, सबसे पहले तो मैं भगवंत मान जी को आज के दिन शुभकामनाएं देता हूं कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि जिस तरह से पंजाब की जनता ने उनमें विश्वास दिखाया है, तो वो भी उस विश्वास को पूरा उसका ध्यान रखेंगे, उसको पूरा करेंगे, कि जो उन्होंने 10 गारंटीज जो जिसके बेस के ऊपर पंजाब की जनता ने मोहर लगाई, उनका भी वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंजाब जो स्टेट है वो बहुत इमोशनल लोगों की स्टेट है, पंजाबी बहुत इमोशनल होता है, और जिस तरह से इन्होंने 10 गारंटीज देकर लोगों को विश्वास दिलाया कि हम आपका जीवन स्तर ठीक करेंगे और पंजाब को कर्जा मुक्त करेंगे, और अनेक सपने दिखाए हैं, मैं विश्वास करता हूं आज के दिन कि वो सपने पंजाब के लोगों के जल्द पूरा करने के लिए ये काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आगे कांग्रेस करती रही या अकाली दल करता रहा कि 4.5 साल के बाद जो है वो अपने वादों को पूरा करने का काम शुरू करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये पहली कैबिनेट मीटिंग से ही और कुछ महीनों के अंदर अंदर वो 10 की 10 गारंटीज जो है वो पूरी करेंगे, और पंजाब की जनता ने जो विश्वास इनमें दिखाया है उसका वो आदर करेंगे।